दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं टेलीकॉम इंडस्ट्री पे अभी संकट के बादल छाए हुए हैं। दोस्तों कुछ ही दिनों पहले यहाँ पे वोडाफोन आइडिया और एयरटेल ने दोस्तों ऑलमोस्ट 70,000 करोड़ 75 से 75,000 करोड़ का दोस्तों यहाँ पे लॉस दिखाया था। उसके बाद दोस्तों ऐसा लग रहा था कि कंपनी की हालत बहुत खराब होगी। फिर दोस्तों यहाँ पे कंपनी ने कल ही मैंने आपको एक वीडियो बनाकर बताया था कि यहाँ पे क्लियर कर दिया वोडाफोन आइडिया ने और एयरटेल ने दोस्तों के यहाँ पे दिसंबर महीने से 1 दिसंबर से दोस्तों यहाँ पे जो प्राइस है जो टैरिफ्स है वहां पे बढ़ने वाले, कितने बढ़ेंगे पता नहीं, लेकिन दोस्तों इस न्यूज का एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़कर के मार्केट शेयर पे दोस्तों इनके जो दोस्तों शेयर मार्केट के अंदर शेयर है उसके प्राइस में जबरदस्त इजाफा हुआ है। ऑलमोस्ट 38% तक का दोस्तों इजाफा हुआ है। क्या है दोस्तों ये न्यूज़, उसके बारे में बात करेंगे, किस तरह से कंपनियों के शेयर प्राइस अप जा रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों प्लीज बने रहिए इस वीडियो के साथ अंत तक। मैं हूं आपका दोस्त नील शेखावत और आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नो नील फैंस। अभी सब्सक्राइब करें हमारे टेक्नो नील चैनल को और हमें बनाइए 1 मिलियन की टेक्नो नील फैमिली। इसके साथ साथ इस घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिए हमारे आने वाले सारे टेक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए दोस्तों। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप सभी जानते हैं सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद, एजीआर की नई डेफिनेशन आने के बाद यहां पे वोडाफोन एयरटेल आइडिया ये खास करके तीनों कंपनी की बात कर रहा हूं दोस्तों जहां पे इनको 92,000 करोड़ समथिंग देना था। इसके बाद दोस्तों कंपनी की हालत यहां पे खराब हो गई और दोस्तों एक सत्र के अंदर एक दोस्तों अवधि के अंदर अगर देखा जाए सबसे ज्यादा लॉस करने वाली कंपनी में दोस्तों ये आ गई थी। यहां पे दोस्तों लास्ट क्वार्टर की बात कर ली जाए तो यहां पे वोडाफोन आइडिया ने ऑलमोस्ट 51,000 करोड़ का लॉस यहां पे दिखाया लास्ट वीक ही दोस्तों। उसके साथ साथ बात करते हैं एयरटेल की, भारतीय एयरटेल ने ऑलमोस्ट 23,000 करोड़ का यहां पे लॉस दिखाया। उसके बाद ऐसा लग रहा था कि कंपनी की हालत खराब हो जाएगी, लेकिन यहां पे दोस्तों कल ही एक न्यूज आई थी कि यहां पे वोडाफोन आइडिया ने क्लियर कर दिया कि अब हम यहां पे पैसा कमाएंगे, कमाने के लिए आएंगे क्योंकि यहां पे हमारा लॉस बहुत ज्यादा आ चुका है। तो डेफिनेटली यहां पे टैरिफ्स जो होगी दोस्तों यहां पे बढ़ेगी, एक न्यूज यहां पे निकल के आई थी जहां पे वोडाफोन आइडिया ने क्लियर कर दिया है कि अब यहां पे दिसंबर महीने से हम यहां पे टैरिफ्स में चेंजेस करेंगे। डेटा और कॉलिंग में क्या होगा दोस्तों, क्या रेट बढ़ेंगे, कितने बढ़ेंगे वो तो आपको दिसंबर में ही पता चलेगा, लेकिन डेफिनेटली यहां पे कंपनी ने एडमिट कर लिया है, बता दिया है कि हम यहां पे टैरिफ में डेफिनेटली इंक्रीज करने वाले, प्राइसिंग बढ़ने वाला। उसके बाद दोस्तों भारतीय एयरटेल ने भी क्लियर साइंस दे दिए कि हम भी यहां पे कुछ ना कुछ यहां पे चेंजेस करेंगे क्योंकि इनका मुनाफा दोस्तों बिल्कुल ही गिरता जा रहा है और यहां पे घाटा बहुत ज्यादा है, तो अपने मुनाफे को बढ़ाने के लिए अपनी टैरिफ्स को बढ़ाएंगे। लेकिन दोस्तों इस न्यूज का एक इंपैक्ट यहां पे पड़ा शेयर मार्केट पे, एनएसई यानी दोस्तों नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे दोस्तों इनके शेयर में चांदी ही चांदी हो गई। जैसे दोस्तों न्यूज आई कि कंपनियां टैरिफ बढ़ाने वाली है, प्रॉफिट ज्यादा होगा इन कंपनियों को, तो यहां पे शेयर मार्केट में इनकी बल्ले बल्ले। अब देखेंगे सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं रिलायंस जियो की, रिलायंस इंडस्ट्री की बात करते हैं दोस्तों। रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर सबसे ज्यादा पैसा कमा के देता है अपने इन्वेस्टर्स को, तो यहां पे 3.5% की हाइक के साथ, 3.5% की हाइक के साथ दोस्तों 1511 रुपए के साथ ट्रेंड कर रहा है। 1511 रुपए के साथ दोस्तों यहां पे रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर दोस्तों ट्रेंड कर रहा है। वोडाफोन आइडिया की बात कर ले दोस्तों, वोडाफोन आइडिया का जो शेयर था जो अभी बस 2 दिन पहले ये कटिंग चाय से भी कम था दोस्तों, 3.75 रुपए, 3 रुपए भी नहीं था, 2.95 रुपए से, उसने 38% का ग्रोथ यहां पे दिखाया, जंप दिखाया, हाइक दिखाया। अब दोस्तों इनकी प्राइस जो है वोडाफोन आइडिया के शेयर की 6.15 यानी 6.25 रुपए समथिंग पे ये ट्रेंड कर रहा है, मतलब ऑलमोस्ट 38%, मतलब ऑलमोस्ट डबल दोस्तों यहां पे हो चुका है ये वोडाफोन आइडिया। भारतीय एयरटेल की बात करें दोस्तों तो एयरटेल का जो शेयर है वो 3.5% 3.5% की बढ़त के साथ अभी फिलहाल दोस्तों 444 रुपए पे यहां पे ट्रेंड कर रहा है एनएसई के ऊपर दोस्तों। तो ये बड़े आसार नजर आ रहे हैं कि कंपनियां दोस्तों जैसे ही प्राइस बढ़ाने की बात की, प्राइसिंग में दोस्तों कुछ नए टैरिफ्स लाने की बात करी, थोड़े महंगे करने की बात करी, तो यहां पे शेयर बाजार पे इसका अच्छा इंपैक्ट पड़ा क्योंकि शेयर बाजार दोस्तों देखता है बैलेंस शीट, अगर इनको प्रॉफिट होगा तो डेफिनेटली यहां पे इनके शेयर भी दोस्तों ऊपर जाएंगे। तो यहां पे दोस्तों एक क्लियर साइन है कंपनियों के लिए कि कंपनियों के शेयर तो डेफिनेटली यहां पे हाइक जा रहे हैं। एनएसई के ऊपर दोस्तों यहां पे फिलहाल रिलायंस की बात कर लूं या वोडाफोन आइडिया की बात कर लूं या एयरटेल की बात कर लूं, यहां पे दोस्तों ऑलमोस्ट 38% तक का स्टेक मैक्सिमम वोडाफोन आइडिया जैसी कंपनी ने दोस्तों यहां पे अपने शेयर में दिखाया है। ये एक अच्छे साइन है दोस्तों कंपनियों के लिए जहां पे कंपनियों को इतना सारा घाटा है, लेकिन अब यहां पे शेयर मार्केट के अंदर इनकी थोड़ी सी हो रही है और आने वाले महीने में दोस्तों दिसंबर में डेफिनेटली दोस्तों यहां पे नए प्राइस आने वाले हैं। अब क्या होगा प्राइस, कितनी प्राइस बढ़ाई जाएगी, डेटा क्या रखा जाएगा, कितने रुपए डेटा होगा दोस्तों पर जीबी का, कॉलिंग फ्री रहेगी नहीं रहेगी दोस्तों, सारी चीजें तो दिसंबर में ही पता चलेगी। जैसे कोई नई अपडेट आएगी सबसे पहले आपका भाई आपको बताएगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही था कि यहां पे टेलीकॉम कंपनी के शेयर में बढ़ोतरी हुई, इनका शेयर अभी दोस्तों जो भी सुस्त बैठा था अब वो उड़ने लगा है और यहां पे ऑलमोस्ट 38% समथिंग का दोस्तों यहां पे मैक्सिमम यहां पे ग्रोथ दिखाते हुए इनकी कंपनियों के शेयर मार्केट में बल्ले बल्ले हो चुकी है। तो प्लीज मुझे बताइए दोस्तों आपके न्यूज कैसे लगी, वीडियो अगर अच्छा लगा इन्फॉर्मेटिव लगा तो एक थम्स अप तो बनता ही, आपके भाई का चैनल है, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ, उन्हें डेफिनेटली अच्छा लगेगा। पहली बार हमारे चैनल पे हैं, पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो नीचे आपको लाल कलर का बटन दिखेगा, उसे सब्सक्राइब का बटन बोलते हैं, उसको दबा दबा के तोड़ दीजिए, उसको दबाने से हमारी छोटी सी टेक्नो नील फैमिली के वीआईपी मेंबर बन जाएंगे। उसके पास ही देखिएगा आपके घंटी का बटन, उसको जोर दबा देना, उसको दबाने से जब भी मैं एक नया वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड करूंगा सबसे पहले आपको मिल जाएगा इसका नोटिफिकेशन, सबसे पहले आप देख सकेंगे मेरा नया वीडियो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही।
मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई बड़ी अपडेट के साथ। तब तक ले बाय, टेक केयर एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।